बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आप सबको खुशामदीद। आज बहुत ही मुनफरद किस्म की रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन मिले। आज मैं बना रही हूँ आलू की चटनी, जो कि बहुत ही डिफरेंट है, इससे पहले शायद आपने कभी खाई ना हो या देखी ना हो, और बहुत सारे लोगों ने खाई भी हो और देखी भी हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं सब आपको बताती हूँ, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। ये पकौड़ों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटनी है, समोसे, पकौड़े, रोल, ये इन चीज़ों के लिए बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पर ये देखें छोटे छोटे आलू थे, ये मैंने उबाल के रख लिए हैं, या फिर एक बड़ा आलू आप उबाल सकते हैं, ठीक है। धनिया और पुदीना है मेरे पास, तकरीबन 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना, और 8-10 हरी मिर्चें हैं। इमली मैंने भिगोई हुई थी, ये तकरीबन 100 ग्राम होगी ये इमली, मैंने 1 कप पानी में भिगोई हुई है, आधे घंटे पहले भिगोई थी। नमक हसबे जायका, दड़ा मिर्च आधी चाय की चम्मच, जीरा आधी चाय की चम्मच, गर्म मसाला आधी चाय की चम्मच, और ये चीनी है, चीनी तकरीबन 2 टेबलस्पून है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें हम डालते हैं ब्लेंडर में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना। अगर ज़रूरत पड़े, अगर आप सोचते हैं कि ये गाढ़ी है थोड़ी सी, तो फिर आप पानी शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें पानी ना शामिल करें। एक दफ़ा बनाएंगे तो सब आपको पूछेंगे। तो लाइट चली गई थी तो इसके लिए माजरत, तो कुछ देर के बाद लाइट आई है। अच्छा, मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं, आलू भी, मसाले भी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, और साथ ही मैंने ये जो इमली की जो चटनी, इमली का पानी जो भिगोया हुआ था, इमली मैंने वो भी डाल दिया। ब्लेंडर को बंद करके हम इसको चलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार चटनी बन गई है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पकोड़ों के साथ आप नोश फरमाएं, ये देखिए मैंने पकोड़े भी साथ में बनाए हैं। इसकी रेसिपी जो है ना वो आपको अलहदा से मिल जाएगी वीडियो, तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चटनी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है आपने, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।